अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई खैरियत से होंगे। इंडियन हाई फ्लाई पिज में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो है ये हमारे एक व्यूवर्स है जो कि अपनी नॉलेज आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि शौक को बेहतर करने के लिए लोग अपनी पर्सनल नॉलेज भी शेयर करना चाहते हैं कि लोगों को फ़ायदा मिले। तो आज इस वीडियो में हमारे एक भाई है अली भाई गुजरात मोरबी से, जो कई सालों से हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो देखते हैं, और आज उन्होंने पर्सनली अपनी कुछ नॉलेज भी शेयर की है जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और 150% गारंटी उन्होंने दी है कि इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो मुझे बहुत खुशी है कि माशाल्लाह उन्होंने जिस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, और उन्होंने अपने परिंदों का वीडियो भी भेजा है जिनका उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। देखिए, एक आध कबूतर का समझ में आता है, अगर तीन कबूतर रहे ना तो जाहिर सी बात है अगर तीनों कबूतर पे उस चीज़ का रिज़ल्ट आया है तो यानी उस दवाई में कोई बात तो है। तो अली भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, मोरबी से गुजरात से हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने को कहा है, और नॉलेजेबल जो भी वीडियो रहेगी इंशाल्लाह वो ज़रूर शेयर की जाएगी, जिससे हमारे जो नए शौकीन हैं उनका शौक अच्छा हो, बेहतर हो। अक्सर करके ज़्यादातर लोग अगर किसी चीज़ में परेशान होते हैं कबूतरों के उसमें, तो वह है लकवा और टेढ़ में जब कबूतर आ जाते हैं, क्योंकि उसमें अक्सर करके कबूतर दाना उठाना बंद कर देता है, और अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट इलाज ना किया जाए तो वो ज़ाय भी हो जाता है। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था डी वार्मिंग की, कोई भी चीज़ को अगर आसानी से हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले आपको डीवॉर्मिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा डीवॉर्मिंग का तो एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि कैसे डीवॉर्मिंग करना है। आप डीवॉर्मिंग करने के बाद ही आप कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। आप जो भी खिलाएंगे उसका असर आपके कबूतरों के अंदर, परिंदों के अंदर, जानवरों के अंदर दिखाई देगा, लेकिन आप अगर डीवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो आपको शायद बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, और मेहनत करने के बाद भी आपको रिज़ल्ट हाथ नहीं आएगा। तो डीवॉर्मिंग की जो अहमियत है वो मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में बताई है, और बताने का मकसद भी यह था कि आप उस चीज़ को समझें। तो बहरहाल जिस भाई ने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा वो एंड स्क्रीन पर देख सकता है, और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन दबाए, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें कि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। जो अली भाई ने ट्रीटमेंट बताया और बताया है ये टेढ़े लकवे में जो कबूतर आते हैं उसके ऊपर, और 150% उनका दावा है कि कबूतर आपका सही हो जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है EVN 200, ठीक है, एक कबूतर के लिए EVN 200 एक लेना है, नैरोबियन 4 इसकी एक गोली लेनी, ठीक है, विटामिन D3 की टेबलेट आएगी उसके 8 टुकड़े करने। स्क्रीन पे मैं तीनों फ़ोटो लगा दूंगा क्योंकि इस वक्त मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, अवेलेबल जो है EVN 400 है, नैरोबियन 4 है, विटामिन D3 की मेरे पास अभी टेबलेट नहीं है, इसके लिए मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ ये बता रहे हैं मैं उसका स्क्रीन पे आपको फ़ोटो लगा दूंगा, आप जिससे समझ सकें कि आपको कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है। और ये कंटिन्यू 20 से 25 दिन वो कबूतरों को देनी है जो टेढ़ में है, ठीक है, और धूप भी बहुत ज़रूरी है, और जब भी दवा दे तो ये ध्यान दे कि कबूतर उल्टी ना करे, ठीक है,
ये जरूर ध्यान दें। दवा देने के बाद उनको धूप दिखाना बहुत जरूरी है, और ये प्रोसेस आपको 20 से 25 दिन करना है। और दवा देने से पहले उनको दाना खिलाना, अगर अपने से उठा रहे तो ठीक है, नहीं उठा पा रहे तो आपको चना जो भिगा हुआ होता है, मैंने अक्सर करके वीडियो में बताया है, और कई ऐसे टेढ़े कबूतर आज भी अलहमदुल्ला हमारे लॉफ्ट में है जो बिल्कुल सही हो गए, ब्रीडिंग भी करने लग गए, उड़ने भी लग गए। तो मेहनत ज़रूरी है, आप महीना भर इनके पीछे टाइम देंगे तो इंशाल्लाह कबूतर आपका रिकवर हो जाएगा। सबसे पहले उनकी डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट करें, और दाना कितना अच्छा खिला सके उतना अच्छा खिलाए, लेकिन डीवॉर्मिंग ज़रूरी है। तो नैरोबियन फोर्ट की एक गोली है, ईवीएन 200 की एक गोली है, और विटामिन D3 का टैबलेट उसके 8 टुकड़े करना है, एक टुकड़ा खिलाना है, और उनको धूप में छोड़ देना है, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको 20 से 25 दिन कंटिन्यू करना है, तब आपको जाके मुकम्मल रिजल्ट आएगा। अली भाई ने भी किया है, और उन्होंने तीनों कबूतरों की वीडियो लगाई है, आप देख सकते हैं वीडियो में, परिंदे माशाल्लाह बिल्कुल रिकवर, परिंदे देखिए आप माशाल्लाह बिल्कुल रिकवर हो गए। मेहनत बहुत ज़रूरी है, और मेहनत अगर दिल से करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी, और आपका शौक भी अच्छा होगा। नॉलेज जितनी शेयर की जाए उतनी बेहतर होती है। इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करें, जिस भाई को वीडियो अच्छी लगे और फ़ायदा मिले, और उनको भरोसा हो कि ये जो ट्रीटमेंट बताया जा रहा है उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आप इसे इस्तेमाल करें, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, इस्तेमाल करें और ज़्यादा से शेयर करें, जिससे आगे लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। और जिस भाई को वीडियो नॉलेजेबल भेजनी हो भेज सकता है, आप लोगों का जो भी ट्रीटमेंट होगा इंशाल्लाह मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे शौक अच्छा हो, बेहतर हो। एक चैन जब जुड़ती है ना तो वो काफ़ी मजबूत होती है, ठीक है। और जब चैन जुड़ेगी तो शौक भी बहुत अच्छे से होगा। तो शौक को बेहतर करना है तो मिलजुल के शौक करें, अपनी अपनी नॉलेज एक दूसरे तक पहुँचाएं, बस यही चाहते हैं, जैसे कि अली भाई ने किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।